आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में नई हलचलें इस समय शुरू हो चुकी हैं और हलचलें फिलहाल 24 के चुनाव को लेकर हैं। तैयारियां पुख्ता है, रणनीति लगातार बनाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस विपक्ष की हम लोग बात करते थे, वो विपक्ष भी यहां पर दो फाड़ होता नजर आ रहा है। चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, देश की सबसे मजबूत पार्टी के लिए जो लगातार 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा बीजेपी के नेता भी कहते हैं और ऐसा सूत्र भी बताते हैं और आकलन भी फिर यही है। जिस तरह से लगातार कई चुनावों में जीत, लगातार सक्रियता और लगातार जनता का जनाधार स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं, तो तैयारी है वो पुख्ता नजर आती हैं। पर जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा था, विपक्ष को एकजुट करने की बात कही जा रही थी, मुलाकातें हो रही थी और मुलाकातों का दौर स्पष्ट कर रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है। पर चुनौती बड़ी कैसे होगी, उस पर भी चर्चा जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन चुनौतियों को अलग कर भी दें तो फिर चुनौती बनेगा कौन? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, दस को देश पर राज किया, पर इसके बावजूद कांग्रेस को अलग कर हम कौन सा नया मोर्चा बना सकते हैं और उस मोर्चे से कैसे बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे, यह भी महत्वपूर्ण बात है। पर चूंकि राजनीति है और यहाँ राजनीति में कौन किसका है कोई नहीं जानता, कौन किसका खास है कोई नहीं जानता। यहाँ पर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और देश सेवा तो खैर दूर की बात है, क्योंकि देश सेवा की बात होती तो शायद जनता के मुद्दे उठाए जाते। पर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी बुनियाद के लिए, अपने आधार के लिए लगातार यहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं। वो चर्चाएँ हो रही हैं कि किस तरह बेहतर करना है। इस बेहतरी करने के बीच यहाँ पर राहुल गांधी जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, ऐतिहासिक यात्रा, 3570 किलोमीटर की यात्रा, उसके माध्यम से राहुल गांधी अपनी छवि को एक बेहतर नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते रहे। हालांकि उसके बाद कैम्ब्रिज में दिया हुआ बयान फिलहाल राहुल गांधी के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है लगातार। जहाँ एक तरफ अडानी हिंडमन रिपोर्ट पर जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस को राहुल गांधी के बयान पर यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ रहा है और संसद की कार्यवाही लगातार इसी मुद्दे को, इसी हंगामे को लेकर बाधित हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता गए और कोलकाता में उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 18 और 19। उस बैठक के माध्यम से तमाम रणनीति बनाई गई और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान जो मुस्कुराहट थी, वो ये कह रही थी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विपक्ष है उसको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। एकजुट कैसे होंगे, कैसे एकजुट किया जाएगा, कौन कौन इस मोर्चे में शामिल होगा और राहुल गांधी को यहाँ अलग थलग करने की बात, उनको ना शामिल करने की बात, उनको लेकर यहाँ पर सहमति ना बनने की बात कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि विपक्ष जो अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रहा था, जो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपने आप को आगे लाने का प्रयास कर रही थी, अपने आप को सिरमौर बना रही थी और ये देख रही थी कि यहाँ पर उस विपक्षी एकता का नेतृत्व कौन करेगा, पर यहाँ नेतृत्व भी अलग अलग हो गए हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, KCR समेत तमाम दल यहाँ पर एक अलग मोर्चे की तैयारी में लग चुके हैं। और ममता बनर्जी का जिस तरह से बयान आ रहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी ही राहुल गांधी की ब्रांडिंग कर रही है और उनको विपक्ष के बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। तो वहीं ममता बनर्जी के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बयान बीजेपी को खुश करने के लिए है और ममता बनर्जी जब कांग्रेस की बुराई करेंगी तो बीजेपी खुश होगी और ममता बनर्जी ED और CBI से अपने आप को बचाना चाहती है। खैर, इसके बाद स्थिति क्या होने वाली है, ये मोर्चा कहां तक सक्रिय रहेगा और जो अगला मोर्चा रहेगा, जो मैं दो फाड़ की बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूत्र बताते हैं, ये बयान बताते नेताओं के कि मोर्चे जो एक अलग मोर्चे की बात कही जा रही थी वो मोर्चा अब दो फाड़ हो चुका है। फिर आप कोई महत्वपूर्ण बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, समान विचारधारा वालों को लाएंगे क्या साथ में? और अब वो विचारधारा बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में उत्तर प्रदेश। नीतीश जी कहते हैं कि कांग्रेस के बिना नहीं बन पाएगा। अगर आप प्रदेश देखें तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे जो ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ। देखिए, सभी नेता इस समय जो कांग्रेस को लेकर पूरे देश में एक माहौल बन रहा है उसको लेकर भयभीत है, इसी वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष एक साथ खड़ा हो,
पूरा विपक्ष एक साथ, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ में जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन पर बात करने की बजाय वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे वो चर्चा में आ सके और मीडिया में उनको कुछ स्पेस मिल सके। लेकिन देश के जनमानस ने ये मन बना लिया है कि अभी सरकार को जो लगातार महंगाई बढ़ा रही, बेरोजगारी बढ़ा रही, इसको हटाना है। और श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को एक ऐसी सरकार देनी है जैसी पहले यूपीए 1 यूपीए 2 की थी, जिसमें किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ हुआ, देश के लिए शिक्षा के अधिकार, भोजन के अधिकार जैसे कानून बने, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना। तो अब ऐसी सरकार बनने जा रही है। इस तरीके की मीडियाबाजी के बयानबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं। अब मीडिया के बयान हो या लोकप्रियता हो या सच्चाई हो, शायद इसको जनता जनार्दन नहीं जानती है, या जानते हैं वो पार्टी जो लगातार इस तरह के बयान दे रही है। राहुल गांधी से अलग एक नया मोर्चे की शुरुआत किस तरह बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी और रणनीति किस तरह बनेगी, क्योंकि अगर विपक्ष यहाँ पर एकजुट होने का प्रयास कर रहा था, जब वो ही विपक्ष दोफाड़ हो जाएगा तो फिर चुनौती यहाँ पर कैसे बनेगी 24 के चुनाव के लिए। फिलहाल मैटपुर चर्चा में मेहमान जो प्रवक्ता भाजपा से अरुण प्रकाश जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अजय चंद्र चौबे अपनी बात रखेंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव राजनीति विशेषज्ञ में अपनी बात रखेंगे, सहीर मोहम्मद तकी हमारी पार्टी में पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फार्मेंट प्रवक्ता नितिन भाई जी अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा अरुण प्रकाश से। अरुण जी, किस तरह देखते हैं, तैयारी है, बातें हैं, बयान है, कार्यकारिणी की बैठक है, और जिस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी का बयान आया है, सपा प्रमुख का बयान आया है, उसके बाद एक बार स्पष्ट हो गई है कि इस बार 24 का चुनाव कुछ अलग पटकथा के साथ लड़ने की उम्मीद है और बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती मिलने वाली है, एक नहीं मोर्चा नहीं दो दो मोर्चे, कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो लगातार 14 से लेकर के और 22 तक जो चुनाव हुए हैं और अभी 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए, आपने देखा कि हर जगह एक प्रयोग विपक्ष के लोगों ने कर लिया है, चाहे वामपंथी विचारधारा के लोग रहे हों। अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर और त्रिपुरा के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस एक होकर के लड़ी चुनाव, और इसके पहले भी जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो अखिलेश जी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और एक नारा दिया है कि दो नौजवानों का साथ पसंद है, ये बातें कही गई। देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका गठबंधन है, कौन से लोग लड़ रहे हैं, हम सदैव हमारी पार्टी, देखिए पिछले कुछ जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई भारतीय जनसंघ की, और भारतीय जनसंघ से लेकर के जब हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुए तो हमने पहले तय किया कि अपने विचारधारा के कॉडर के साथ हम इस देश में अपने कॉडर को और अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि देश के सामने एक विशाल परिस्थिति खड़ी हुई इंदिरा जी के आपातकालीन के बाद, और हमें उस गठबंधन में आना पड़ा, जनता पार्टी के गठबंधन में जी। और वो गठबंधन जो तमाम ये अपने को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और तमाम विचारधाराओं के लोग कहते हैं, हमारा ही नाम लेकर के इन्होंने उस गठबंधन को तोड़ा। हम तो देश के लिए एक हुए थे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक हुए थे, और सोचा था कि एक लंबी पारी की इस देश को सरकार दी जाए। लेकिन वहाँ भी कहते जो तमाम कुर्सीवादी लोग हैं, जो अपने को समाजवादी और वामवादी सब कहते हैं, इनको मैं कुर्सीवादी कहता हूँ, इन्होंने कुर्सी की लालच में वो सरकार गिराई। तो हमने जो पहला हमारा अनुभव था, हमने अपने कॉडर को मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कॉडर को मजबूत किया और बूथ स्तर पर हम पहुँचे। और दूसरी बात, फिर हम मोदी जी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में जब हम आगे बढ़े तो हमने तय किया कि हम कॉडर बेस पार्टी तो बन गए, लेकिन जो पब्लिक बेस पार्टी बनना है उसकी तरफ हम बढ़े। फिर हमने जो हमारे अनुभव थे, जो भारतीय जनमानस के आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद सवाल थे, उन सवालों के साथ हम खड़े हुए और देश की जनता ने हमें पहचाना कि अगर भारत की आंतरिक समस्याओं के साथ और भारत के बाह्य समस्याओं के साथ, सीमाओं के साथ, अगर स्वाभिमान के साथ कोई राजनीतिक दल लड़ रहा है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बार बार जनता ने कल तक मौका दिया। हमने तो नारा दिया था बिटवीन डिफरेंस का, आपको याद होगा
कि जनता ने हमें परखा है और जनता फिर आगे परखेगी, क्योंकि उसको एक विश्वास हो चुका है कि जो नेतृत्व है मोदी जी का ये एक सशक्त नेतृत्व है, देश के स्वाभिमान को और देश के सशक्तिकरण को करने वाला नेतृत्व है। अच्छा, और यही नहीं, अभी आपने देखा कि G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में और उसके पहले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री आई और G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा कि पहले क्या था कि चाहे जवाहरलाल जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे इंदिरा जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे राजीव जी का नेतृत्व रहा हो, और इन देवगौड़ा जी और इन लोगों की तो मैं मनमोहन सिंह जी की तो कोई इनका कोई बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल भी नहीं रहा, इसलिए बहुत इनकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। कैसे कार्य 10 साल कार्यकाल रहा मनमोहन जी? नहीं, मनमोहन जी का कार्यकाल चाहिए हो रहा। लेकिन मनमोहन जी एक बैसाखी प्रधानमंत्री थे। अच्छा, बैसाखी प्रधानमंत्री। अच्छा, मनमोहन जी का पब्लिक में कोई बेस नहीं था, पब्लिक के जनाधार नहीं थे, पीछे से एक रिमोट कंट्रोल था उनके पीछे। 10 जनपद का एक रिमोट कंट्रोल था, सोनिया गांधी का एक रिमोट कंट्रोल था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके हाथ बंधे हुए थे और निश्चित रूप से कमेटी थी। अच्छा, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर बंगाल में एकजुट हो रही है और राहुल गांधी को यहाँ पर एक विपक्ष के चेहरे के रूप में स्थापित कर रही है, बीजेपी ब्रांडिंग कर रही है राहुल गांधी। देखिए, हम तो अभी कहीं बीजेपी या कांग्रेस हमें कि हम मदद कर रहे हैं, ये तो ममता जी का एक खोखला कहता है नारा है। अच्छा, अभी ममता जी के सामने हम सीधे रूप से लड़े। हाँ, और एक अच्छा उनके सामने हमने चुनौती प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो, विधानसभा के चुनाव रहे हो और चाहे लोकसभा के चुनाव रहे। अच्छा, और फिर हम उनके सामने चुनौती प्रस्तुत करेंगे और हम वादे के साथ। अखिलेश जी ने अगली चुनौती नहीं बनेंगे क्या? देखिए, अखिलेश जी ने तो लगातार बढ़ रहा, लगातार अभी अखिलेश नेताओं से मिल रहा है, सक्रियता लगातार बढ़ रही है, पार्टी भी बढ़ रही है। जी गौरव जी, मैं चुनौती तो रहेगी आपके लिए। जी, अभी अखिलेश जी को मैं बयान सुन रहा था। कह रहे थे मैं गठबंधन, मेरे विचारधारा के गठबंधन। अभी मैं पूछूं कि अभी जब वो 22 के चुनाव में अभी बहुत दिन नहीं हुआ, जिस गठबंधन के साथ गए थे वो, उनके विचारधारा के साथ के लोग कितने लोग आज उनके साथ हैं? राजभर जी कहाँ हैं? अच्छा, और जो एक उन्हीं के पास की पार्टी थी वो कहाँ है? अच्छा, तो उनका गठबंधन क्या है क्या नहीं है? गठबंधन जो भी रहा 47-111 पे आ गया, वो भी देखिए ना। देखिए, ये खतरे की घंटी है कि नहीं? कोई खतरे की घंटी नहीं। अच्छा, हम तो खुद चाहते हैं कि विपक्ष एक सशक्त मजबूत विपक्ष हो। आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस देश की जनता ने पहचाना। अच्छा, और यहां तक पहचाना कि कांग्रेस पार्टी को अपने नंबर पे अपने चीजों पे शर्म करनी चाहिए। अच्छा, कि उसको विपक्ष लायक भी नंबर कहता जनता नहीं दे रही। अच्छा, ठीक है। नितिन भाई जी, भाई बैठक हुई और कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी और चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं, नए मोर्चा, और अगर अखिलेश यादव एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में निकल के आ रहा है, बड़े नेता के रूप में यहाँ पर एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, एक अलग मोर्चा स्थापित करने की बात कही जा रही है, तो बीजेपी कह रही कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके से बात करती है जी, और हारने के बावजूद भी ये लोग प्रोपेगेंडा बनाने के मास्टर हैं। अच्छा, मैं अरुण प्रकाश जी बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने जनसंघ से निकल करके जब भारतीय जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में एक मोर्चा बना, उसमें सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सारे लोग एक साथ हुए और इसके बाद हमारे नाम से गठबंधन टूट गया। निश्चित रूप से ये लोग जिस बात को लेकर कह रहे हैं सही बात है कि ये लोग विश्वसनीय लोग नहीं रहे कभी भी। अच्छा, ये लोग झूठ बोलने के आदि है। और इसका मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी हाल में ही 5 राज्यों में उपचुनाव और 3 राज्यों में मुख्य चुनाव हुए। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट जीतती है, महाराष्ट्र में 1 सीट जीतती, 2 राज्यों में। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई खाता नहीं खुलता है। इसके बाद में आ जाइए 3 राज्यों में जो मुख्य चुनाव हुए, उसमें मेघालय, नागालैंड और आपका त्रिपुरा। आप ये बात कर रहे हैं, अभी त्रिपुरा की बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। मेघालय में ये 60 सीटों में चुनाव लड़े
और 60 सीटों में मात्र दो सीटें जीत पाए, बाकी सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई। और इसके बाद संदेश क्या देते हैं, मेघालय में भाजपा सरकार। अब इसके बाद आ जाइए रगबगल में नागालैंड, नागालैंड में ये 12 सीटें जीतते हैं और इसके बाद में 60 में से और मैसेज देते हैं मेघालय नागालैंड में भी भाजपा सरकार। तो ये लोग जहां नहीं होते वहां भी अपनी सरकार बताने में ये प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपने को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त जनाक्रोश है। लोग ईडी सीबीआई या पुलिस बुलडोजर ये तमाम डर के कारण भले खुल के कोई बात न कह पा रहे हो, जब लोकतंत्र का चौथा खंबा समाप्त हो जाए, मीडिया का अगर कोई पत्रकार किसी मंत्री से पूछे तो दूसरे दिन हथकड़ी लगा करके वो जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस तरीके जमानत मिल गई थी, जेल नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र है, न्यायपालिका है ना वहाँ पर। अच्छा। न्यायपालिका पर भी विश्वास किया जा सकता है, मैं वो भी बात कर रहा हूँ। तो जहाँ इस तरीके के पहरे हो, संगीन के साए हो, लोग अपनी बात न कह पा रहे हो, ऐसे दौर में पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जनमानस को दुखी किया है और वो जो जनमानस का आक्रोश है वो 2024 के चुनाव में टूटेगा। एक सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस के बिना कैसे विपक्ष को एकजुट करेंगे? कांग्रेस बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, दस को राज किया है, तो सारा कांग्रेस को भी साथ में लेके चलते तो शायद कुछ बेहतर हो सकता था। देखिए अभी हम लोग चुनाव में जाए। अच्छा। और चुनाव तमाम राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कहाँ है? अच्छा। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, ममता जी बंगाल में खड़ी हैं, बगल में केसीआर साहब तेलंगाना में खड़े हैं, स्टालिन हमारे तमिलनाडु में खड़े हैं। ये लोग वहाँ ऐसी ताकतें हैं जहाँ किसी की जरूरत नहीं है इनको। हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से जब भारतीय जनता पार्टी का रथ रुकेगा तो पूरे देश में वो एक बड़ा संदेश जाएगा। बंगाल बड़ा, महाराष्ट्र बगल में आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस की पार्टी हो गई है। तो अब जहां वो है अपनी ताकत दिखाएं। अच्छा। कांग्रेस जहां है वहां अपनी ताकत दिखाए। और मैं तो चाहता हूं कि पहले तो आप अपने अपने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को रोक करके आइए, इसके बाद देश में जो सरकार बनेगी तो ये देखिए धरती वीरों से खाली कभी नहीं रही। किसी ने कभी कल्पना की थी कि आई के गुजराल साहब भी कभी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एच जी देवगौड़ा साहब कभी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री का चेहरा संसद लोग जब चुनाव जीत करके आएंगे, हमारे सांसद चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री। अभी तो जरूरत यह है कि इस देश से जिस तरीके से मोदी जी ने अपने मित्रों को सिर्फ माला माल करने का काम किया है और पूरे देश को बर्बाद करने का, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है, तमाम सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया है, इस दौर में पहला लोगों का एक ही काम है कि हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाना। प्रधानमंत्री कौन होगा ये बाद में चुनाव के बाद हम लोग तय कर लेंगे। ठीक ठीक है। अजय भाई बड़ा मुस्कुरा रहे थे नितिन भाई की बात पर, गय गुजरी पार्टी होगा, पहले आप जहां पर है वहां पर मजबूत होइए, उसके बाद फिर अब यहाँ पर गठबंधन की बात होगी। अब रणनीति 24 की इतनी हल्की नहीं होने वाली है, किसी भी कीमत पर बीजेपी को यहाँ पर रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस को भी यही सलाह दी जा रही है जो नितिन भाई बोले हैं। क्या राय है आपकी और कैसे आप स्थापित करेंगे और विपक्ष की भूमिका आप कैसे निभाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर तमाम लोग आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे फिलहाल स्पष्ट। विधानसभा चुनाव के पहले ममता दीदी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से उनके ऊपर हमला कराया, उन्होंने डट के मुकाबला किया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के सीबीआई को गिरफ्तार कराया और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल गए थे और ममता दीदी के सामने तो वो नीचे उतरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और आसमान से ही भाग आए। अच्छा। तब की ममता दीदी और अब की ममता दीदी में शायद अंतर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और सीबीआई से शायद उनको भी डरा दिया है। अच्छा। और उन्होंने पश्चिम बंगाल के आगे काफी प्रयास भी किया अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का, उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी पूर्व में प्रयास कर चुकी है कई राज्यों में चुनाव लड़ने का, लेकिन अपने अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में कहीं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही। बात
सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ने का, तो चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, छात्राओं का मुद्दा हो, या छात्रों का मुद्दा हो, या पत्रकारों पे हो रहे जुल्म और अत्याचार का मुद्दा हो, माननीय राहुल गांधी जी ही सड़क से लेके संसद तक लड़े हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय नेता तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए, और ममता दीदी भी अपने राज्य से बाहर नहीं आ पाई, अपने राज्य से बाहर नहीं आ पाई, और बात कर रही है पूरे देश में प्रधानमंत्री जी से लड़ने की। अरे प्रधानमंत्री जी से लड़ने के लिए आप क्या कर पाए? माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हारे थी, और तीनों जगह कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। कर्नाटक में भी हराया था, हालांकि ईडी, सीबीआई और धनबल का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीद फरोख्त करके वहां सरकार बना लिया। माननीय राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से पूर्ण बहुमत की सरकार के चीफ मिनिस्टर थे। बाहर में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या हुआ कोई पता है? इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, और अभी जो पद यात्रा थी, कमजोर हो सकते हैं कि अमरिंदर सिंह चले गए, उसके बाद चलनी आए, सरकार चली गई पंजाब से आपकी। लंदन में राहुल जी ने जो कहा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे संसद को म्यूट करके ये साबित कर दिया कि वो अपने दोस्त, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ मात्र एक किसान, अडानी उस पे चल रहे हैं, अपना देखिए पहले क्या स्थिति हो रही है, अलग थलग पड़े हुए हैं, पूरा अडानी जी के पास जाता है। तो ममता दीदी और समाजवादी भी पार्टी शायद अडानी जी पे हमला करने से बच रही है, पार्लियामेंट में उनके ऊपर पीएससी की जाँच न हो, उनके कर्ज पे कर्ज कैसे उनको बार बार मिलता रहा, एक कर्ज के बाद दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज, तीसरा कर्ज, और उसी पैसे से विधायकों के खरीद फरोख्त होते रहे, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग होती रही, बहुत ही महंगा ब्रांडिंग। अच्छा, और सोचिए कि ममता दीदी को तो सड़क पे आना चाहिए था, माननीय अखिलेश जी को भी सड़क पे आना चाहिए था, बैठक करने गए, सड़क पे आंदोलन करने गए थे, कैसी बात कर रहे हैं? अगर किसी पे, अगर सांसदों को और भारतीय जनता को अगर अविश्वास है कि उसकी भी काली कमाई है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो LIC का पैसा डूबा है, तो क्या यह घोटाला नहीं है कि LIC का पैसा सीधे आप अडानी जी के खाते में आपने ट्रांसफर करा दिया? आपने LIC से अडानी जी का ही शेयर क्यों खरीदवाया जो डूबने वाली थी, अच्छा, जिसका वैल्यू गिरने वाला था? तो आप तो, हम जनता का, हिंदुस्तान के 140 करोड़ के लोग जो एक LIC की पॉलिसी लेके, अरे LIC मुद्दा नहीं है भैया, ये निश्चिंत रहते हैं, आपने डुबाने का काम किया। अच्छा, तो ममता दीदी और समाजवादी पार्टी शायद ईडी सीबीआई से डरी हुई है, इसलिए ये लोग असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोर्चा बना रहे हैं, मैं गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं। मोर्चा क्या बनाएंगे, कितना साथ दिया है ममता दीदी, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, राष्ट्रपति एकता दोफाड़ हो गई है, ममता दीदी दोफाड़ हो गई, आप अपने लड़ गए, लड़ाई थी तो कितना साथ बाकी दलों ने दिया था, अच्छा, ये सबने देखा है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धर्म निरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करके राष्ट्र विरोधी ताकतों का, जन विरोधी ताकतों का, महिला विरोधी ताकतों का सामना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, और उनको सत्ता से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हटा सकती है। भविष्य में TMC और सपा का समर्थन लेंगे कि नहीं, उनके साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्यों, यहाँ पर आपको यहाँ पर निवेदन मिला नहीं है, निमंत्रण मिला है, हालांकि आपने जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए अखिलेश यादव को पत्र भेजा था तो शुभकामनाएं केवल मिली थी, आए नहीं थे। देखिए, उनकी अपनी क्या मजबूरियां थी, क्या उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी थी, समय था या नहीं सामने आता, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जी जल्दी बोले, उसमें ममता दीदी का भी सहयोग था, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन चुनाव बाद मिला था, चुनाव में तो अकेले लड़े थे साहब, कहा था कांग्रेस का कुछ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, कांग्रेस ने साबित किया 22 अकेले कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें अकेले दम पे तो मिली थी, अच्छा, और 2004 में भी 8 सीटें अकेले दम पे उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट में मिली थी, तो निश्चित तौर इतनी बड़ी पार्टी 4 सीटें पर्याप्त है, ममता दीदी और अखिलेश जी, चलिए ठीक है, आगे बात आगे, प्रदेश में बात आगे, साबित करके पूरा घुमाए घुमा दिया आपने, बचाने के, चलिए ठीक है, तौर पे हमें समर्थन, बहुत बड़ा संघर्ष आपके सामने है, ठीक है सैयद ममता की तकी भाई, क्या स्थिति भाई आपकी? आप केवल बातों पर मुस्कुरा रहे थे, यहाँ सबकी बात कर रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे अगर मौका मिलता है, मोर्चा 1 में या मोर्चा 2 में? भाई मोर्चा 2 बनेंगे, आप इतने स्पष्ट हो गया,
लेकिन गौरव जी सब परिस्थितियां निर्धारित करेंगी क्या होगा, जनता का ऐसा आदेश होगा, आम आदमी पार्टी उसका अनुपालन करेगी जी। और आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, जनता जनार्दन के विश्वास को हमेशा सम्मान देती है, उसी के अनुरूप कार्य करती है जी। ये आवाज इको कर रही क्या आपने जी? बोलिए बोलिए, मुझे स्पष्ट आ रही है, बोलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज जो थी वो क्लियर हो गई जी भाई जी, 10 साल की पूर्ण बहुमत सरकार जो बीजेपी में चलाई है मोदी जी की, हाँ। तो उसमें कंफ्यूजन था, डाउट था, वो क्लियर हो गया। अच्छा, वो जनता ने देखा कि मिली जुली सरकारें जो है उन्होंने सरकार को बेहतर चलाया है, पूर्ण बहुमत की सरकार तो फ्लॉप रही। अच्छा, अभी जो ये मनमोहन सिंह की सरकार को बैसाखी की सरकार कह रहे थे, उस सरकार के अंदर ग्रोथ रेट 14% था। अच्छा, आज की डेट में बीजेपी जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसमें ग्रोथ रेट 4% है। अच्छा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई चरम पे है, महिलाओं के साथ। अरे वो ठीक है, वो मुद्दे में पता है, आप कहाँ जाएंगे? हाँ, कौन से मोर्चे साथ जाएंगे? दो मोर्चे हैं, हम तो हम जनता के फैसले के साथ जाएंगे, जनता जिसको चुनेगी। सर्वे कराएंगे क्या? सर्वे कराएंगे, कहाँ जाएंगे? जो धर्म निरपेक्ष, जो धर्म सारे धर्मों को सम्मान करके साथ चलने वाली पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़े होगी। अच्छा, जो लोकतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी होगी। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, अच्छा, हम उनके साथ होंगे। जो कानून को मानते हैं, कहते हैं देश कानून चलेगा, आम आदमी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी होगी जी। और हमें पूछना चाहिए एक सवाल जो बहुत जरूरी है, जो बीजेपी से पूछना चाहिए, जो नहीं पूछ रहे हैं। और हमेशा डिबेट ये होती है कि 2024 में क्या होगा, कौन किसके साथ होगा, कौन किसके साथ नहीं होगा। तो आप मुद्दा बता दीजिए मोर्चे। अरे तो आप मुद्दा बता दीजिए, किसमें चलना है बताइए, कैसे 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 मोर्चा बना होगा। तो कुछ बातें जो पूछनी चाहिए वो ये है कि सरकार ने जो शुरुआत से जो योजनाएं बनाई थी कितनी कामयाब हुई। जनधन योजना हो गई, नोटबंदी हो गई, नमामि गंगे हो गई, भाई इतनी योजना पर बताइए, मुझे भी पता है कि हो गए, आप भी 3 माह से जो है अपना सब करा रहे हैं। ताकि भाई मुझे मत बताइए, पहले मुझे पता है कितनी योजना कितनी सफल है। आप भी 3 माह से, अब 3 सत्ती सरकार है ना आपकी दिल्ली में, 3 माह से अपना सब करा रहे हैं। यमुना कितनी साफ हुई, हर बार टारगेट बढ़ जाता है। छोड़िए, मुद्दे पे आइए, किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे तो सुन तो लीजिए आप। और भाई सुना दी, सुना दी। देखिए यमुना जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बहती। अच्छा, यमुना उत्तर प्रदेश से आती है और दूसरे राज्य में जाती है, और यमुना का साफ हमारी पार्टी। अरे भाई मैं बोल तो लू, बोले बोले जी। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने अपने कंधों पे ली है। अच्छा, और हमने कमिट कर दिया कि आम आदमी पार्टी यमुना को आने वाले कुछ सालों में साफ कर देगी। और हमने दिल्ली के अंदर जल भंडारण का काम कर दिया, हमने जो झीलें जो खत्म हो गई दिल्ली के स्तर से, वो सैकड़ों झीलें आम आदमी पार्टी ने फिर लेके आ रही है और जल संचय का काम कर रही है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली को जल के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। और लेकिन ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, यूपी सरकार को और दिल्ली सरकार के साथ मिलके और केंद्र सरकार ने तो मिलके अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म रणनीति बनाने की जरूरत है, जिससे यमुना का पानी स्वच्छ हो। और हमने कई सालों से जो प्रयास किया उससे दिल्ली का प्रदूषण भी कम हुआ है। अच्छा, और देखिए एलजी साहब जो हमारे मुख्य विरोधी है, उन्होंने हर मामले में टांग अड़ाई है। अच्छा, उन्होंने दिल्ली के एफर्ट्स की, मुख्यमंत्री के एफर्ट्स की, अरविंद केजरीवाल के कामों की तारीफ भी करी। अच्छा, मुश्किलों के हालात के बीच भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया। अच्छा, ठीक है। कोरोना ने भी, गृह मंत्री ने, अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करी थी जो हमने काम किया मुद्दे पे नहीं आया। तो आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके कामों का तारीफ विरोधी भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। हमें वो काम करके दिखाया जनता को। आज की डेट में हर राज्य में आदमी चाहता है कि आम आदमी पार्टी सरकार हो, अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार, कट्टर राजभक्त व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बने। क्या बात है, ठीक है। हर जगह वही बनेंगे क्या, जहाँ जहाँ जाएंगे? अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय भाई आप तमाम लोगों के बयान सुने और आपके मुस्कुराहट भी स्पष्ट कुछ कर रही थी, कुछ बताना चाहते हैं, क्या राय है जो मोर्चा यहाँ पर एकजुट करने का प्रयास किया था? फिलहाल देखना ये मिल रहा है कि वही मोर्चा दो जगह विभक्त हो रहा है, विचार राय। ये नितिन भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जहां पर आप हैं पहले वहां पर अपनी सक्रियता दिखाइए, वहां दिखाइए कि वहां पर आपकी क्या मजबूती है, बाद में विचार किया जाएगा 24 में किस तरह लड़ना है। और निश्चित रूप से बेहतर पहल भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं जो एकजुटता हो रही है, अगर शुरुआत में ही एकजुटता दो फाड़ हो जाएगी तो कहीं फायदा बीजेपी का होगा, कैसे देखते हैं? गौरव भाई, ये तो जो आपकी जो जहां से आपने शुरू किया था जी, अगर इसको देखेंगे ना तो ये जैसे 4 से 14, 14 से 23, क्या उधर के 10 साल इधर के 9 साल जी, अगर आप देखें तो जब सरकार कांग्रेस की थी जी, तो विपक्ष की भूमिका जब आप देखेंगे जी, तो पक्ष जो चल रहा है इस समय उससे अच्छा वो विपक्ष में काम करते थे। क्या बात, जनता के मुद्दे के लिए जी
वो अगर आपका प्याज का रेट बढ़ा तो गले में माला पहन के सड़क तड़क घूमते थे। बिल्कुल। सिलेंडर अगर बढ़ जाता था तो सिलेंडर भी लेकर के लोग स्मृति ईरानी को देखा सबने। हाँ, पहुंच जाते थे लोगों से, मतलब मनमोहन सिंह तक चूड़ियां उड़ियां भेजने तक का भी काम होता था। जी बिल्कुल। लेकिन ये चीज जनता से जुड़ाव जो है ना, पार्टियां जैसे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय स्तर पे, तो कांग्रेस सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी भी है और हमला भी जो भारतीय जनता पार्टी का है वो पहले कांग्रेस पे ही होता है। जी। बाकी देखिए, जो इनकी पॉलिटिक्स है, इनकी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो आप हमेशा भी, अभी बात भी हो रही थी कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। जी। उनका मोड नहीं चेंज होता, वो भले सत्ता पा भी लें ना भी पाए। जैसे अभी हिमाचल में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी हारी, एक तरह से कह सकते हैं। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं नड्डा जी, और हिमाचल में कांग्रेस पहुंच गई। जी। तो ऐसा नहीं कि जनता नहीं चाहती है। जी। लेकिन जनता की बात उठाने का श्रेय कोई नहीं लेना चाह रहा है। बहुत बढ़िया बात है। आप राहुल गांधी की पदयात्रा को ही जोड़ लीजिए। जी। पदयात्रा के लाभ आप नहीं गिना पाएंगे। जी। पदयात्रा उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। लेकिन उसके लाभ नहीं गिना पाएंगे। जी। ना वो जनता को हिट कर पाए एक तरह से देखें अगर। जैसे आज भी आप कह रहे हैं ना, जैसे अभी नितिन भाई ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश से अगर हरा देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे देश में हरा देंगे, लेकिन क्षेत्रीय दलों पर जो हमला करती है भारतीय जनता पार्टी वो इनको आपस में इतना उलझा देती है कि ये दूर की सोच ही ना पाए। बिल्कुल। वो अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी पार्टी की लड़ाई में इतने उलझा देते हैं लोग कि उससे वो बाहर निकल नहीं पाते। जी। अब जब अपने से नहीं निकल पाते तो जनता का मुद्दा कहाँ उठा पाएंगे। बिल्कुल। और जनता का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे तो जैसा भाई लोग कह भी रहे हैं, ईडी है, सीबीआई है, पलाने चीज, तो ये इसका जैसे दुरुपयोग हमेशा होता रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार रही होगी तो उन्होंने नहीं किया होगा। अच्छा। भाई वो अमित शाह जेल गए थे, तड़ीपार हुए थे, आज देश के गृह मंत्री हैं। जी। तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन रही होगी। दंगे में गए थे। अच्छा। नहीं नहीं, दुरुपयोग उपयोग के खिलाफ बोलने में नहीं गए थे, आवाज को नहीं दबाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपयोग दुरुपयोग की बात, दंगे के आरोप कह रहा है कि आपकी समय में भी दुरुपयोग होता था सरकार में उनके गृह मंत्री। अगर बीजेपी करे तो आप भी करते थे, वो ये कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि वो लोग जो मुद्दा उठाते हैं जनता से आधारित मुद्दे उठाते हैं और उसको ला करके जनता को समझा ले जाते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वो काम बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जी बैसाखी वाले प्रधानमंत्री थे। अभी पहले पहले तो यही सीबीआई ने और यही सीबीआई ने हमारे आपको पूरा मौका दूंगा, जवाब दीजिएगा, गिरफ्तार किया था। जी। और मनमोहन सिंह जी के ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मंत्रियों पे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को, उनको इसी मनमोहन सिंह जी ने ही जेल भेजा था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो लोग स्वच्छता का प्रमाण लेकर निकले हैं। चौबे जी, पहले अध्यक्ष के पास। और ये मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। और अब इनकी ही पार्टी अपने में चाहे वो लखीमपुर खीरी के पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, कहीं भी हो जेल नहीं भेज पाते। चौबे जी प्लीज, मैं देखिए उस अध्यक्ष के पास पूरे मैं अपनी बात इसलिए पूरी करने दीजिए मुझे कि अभी आपके लिए बहुत कुछ आगे ला रहा था। जी बोले। अभी रिसेंटली प्रयागराज में जी एक हत्या हुई है। जी। उसका नाम लेना उस हर आदमी की जुबान पे होगा जहां तक मुझे जानता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको आज की डेट में लोग यही कहते हैं कि किस वजह से सत्ता में है, तो जीरो टॉलरेंस और सुरक्षा को लेकर के ही, जी यही तो दम भरते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करने गया कोई आदमी, कितने मुद्दे लोगों ने उठाए, कितने लोगों ने बात की, कितने लोगों ने कहा कि पलट गई गाड़ी, कितने लोग, यही सब चल रहा है। अगर आप देखें तो दिन दहाड़े जो हत्या हुई है उससे कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं करी आज तक कि ये उठाएं, इसी का मुद्दा लेकर के सड़क पे उतर गए होते कि कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इनको क्या डर है कि अभी हम सड़क पे निकलेंगे तो ईडी और सीबीआई, क्योंकि पहले चोरी बेईमानी इतना ज्यादा कर लेता आदमी। देखिए डर क्या, अभी आप आम आदमी पार्टी के नेता को देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, तो इनको अभी डर ये लगता है ना कि अगर हमारा कोई नेता कुछ बोलेगा तो ऐसा ना हो कि जेल चला जाए अगले दिन। अच्छा। लेकिन जनता तब भी ये जानती है कि आप जेल क्यों गए, जाहिर सी बात आपने कुछ गलत किया होगा इसलिए जेल गए। जी। और आप अपना पक्ष साफ नहीं कर पाए। मौका दूंगा तकी भाई, तकी भाई ऐसे नहीं, बापू बोलिए तकी भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप अपना पक्ष रख नहीं पा रहे हैं। जी। जैसे ये जानना चाहती जनता ना कि वो जेल क्यों चले गए, लेकिन बताने वाला कुछ नहीं, बस बेईमान बता करके जेल अंदर डाल दिया गया उनको, ठीक है ना। जी, जी। आपको करना यह चाहिए था कि क्यों बेईमान बने, क्या बेईमानी की, इसको आपको जनता के पास ले जाना चाहिए था। देखिए मैं वही ले रहा हूँ, आयोजक भी नहीं बोले कुछ ज्यादा, 14 से 14 का जो 4 से 14 का मामला था, 4 से 14 में यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है छोटे छोटे मुद्दे को कैसे उठाती थी और कैसे जनता तक पहुंचा देती थी उसको कि भाई 3 रुपया सिलेंडर बढ़ गया है, 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया है, वो भी एहसास करा देती थी जनता को। ये नहीं करा पाते। और ये पूरे विपक्ष में अपनी, बाकी क्षेत्रीय दल हैं ये तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे ही, ये क्यों किसी को स्पेस देंगे।
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे ममता जी हो, वो भी कांग्रेस से ही छूट के गई है वहाँ। पहले कांग्रेस की ही नेता थी। उधर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, शरद पवार जी को ले लीजिए, भी पहले कांग्रेसी ही थे जी। अभी देखिए चुनाव है मध्य प्रदेश में भी, वहां माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया है पहले से, अरे ज्योतिराव सिंधिया को जी, कांग्रेस से ही तोड़ करके। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये नहीं कि जब चुनाव आएगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे। सक्रिय नहीं हो पा रहा है विपक्ष, सक्रिय नहीं हो पा रहा, और उस तरह से सक्रिय नहीं हो पा रहा है कि जनता तक अपनी बात पहुंचा पावे, अपनी ईमानदारी को बता पावे कि हम ईमानदार हैं, इस वजह से जेल गए हैं कि उन्होंने जबरदस्ती हमें ईडी और सीबीआई करके भेजा है। चौबीस जी बोल रहे थे आप, बड़े गर्म हो रहे थे, दोबारा हो जाइए। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी कह रहे थे एक विचारधारा को लेके लंबे समय तक चले, पूरे देश में ऐसे भी देश हित में विचारधारा वाली पार्टियों से हम गठबंधन करते हैं। तो महबूबा मुफ्ती जी को कश्मीर में आतंकवादी बताते नहीं थकते थे, फिर उनके साथ गठबंधन किया, फिर बात नहीं बनी, फिर अलग हो गए। फिर नीतीश जी हमारे साथ सरकार में थे, फिर ये लोग नीतीश जी को चाहे ईडी सीबीआई से डरा के ले गए हों, चाहे बहला फुसा के ले गए हों, लेकिन जब नीतीश जी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि ये तो दोस्तों के पीठ में छुरा भोंकते हैं, तो फिर वो इधर वापस आ गए। तो फिर अब नीतीश जी को ये लोग ईमानदार बताते नहीं थकते थे, अब चोर बताते नहीं थकते हैं। बाला साहब की पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना, जिसके कंधे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सत्ता में आई, वहाँ पश्चिम पंजाब में अकाली दल उनके साथ होता था, आज दोनों दल इनके साथ नहीं है, ये मतलब सत्ता में आ गए, मजबूत हो गए, तो इन्हें अपने पुराने दोस्तों की कोई जरूरत नहीं रही, और उन्हें जमीन में उन्हें कब्रिस्तान में गाड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग गई। अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मैक्सिमम क्षेत्रीय दल भी इस बात से आतंकित हैं, डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ऐसा दल नहीं है कि जो इनको 2024 में कोई सहारा देने वाला है। अच्छा। हाँ 24 से पहले ये डरा धमका के चाहे मेघालय में जिस पार्टी से हाल ही में अलग होकर चुनाव लड़े, इनको लगा था कि हमारे मोदी जी बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, रैली कर देंगे, एक सीट से मेघालय में पूर्व बहुमत की सरकार बन जाएगी। अच्छा। लेकिन इतना ज्यादा देश के जनता का पैसा जो लूट के वहां ब्रांडिंग में और चुनाव लड़ने में खर्चा किया, सिर्फ एक से दो ही सीट पहुंच पाए, फिर भी कांग्रेस से बहुत कम रह गए, फिर भी अपने को बहुत बड़ा दल बताते हैं ये लोग, कितना घमंड में रहते हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी की आप मुग्धता देखिए, अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो चले गए कहने अब की ट्रंप सरकार, तो पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। आप भी राहुल गांधी गए थे वहां पर बुराई करने के लिए, कहां पे अच्छाई करने गए थे क्या, कहां पे, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में गए थे। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो राहुल जी ने कहा कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च करके, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कुछ कहा उन्होंने, राहुल जी के इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जी वहां के स्टूडेंटों को संबोधित कर सकते हैं क्या, ऑक्सफोर्ड में संबोधित कर सकते हैं क्या, स्टूडेंटों से डिबेट कर सकते हैं क्या, डीयू के छात्रों का सामना कर सकते हैं क्या, जेएनयू के छात्रों का सामना कर सकते हैं क्या, किसी आईआईटी एनआईटी के छात्रों से वो डिबेट कर सकते हैं क्या, वो रोजगार के मुद्दे पे बात कर सकते हैं क्या, निश्चित तौर पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ सिर्फ अपने मन की बात, अजय भैया ने अभी आपको बताया था कि आप जनता के मुद्दे ये तो है ही नहीं ना, जनता के मुद्दे तो है नहीं, कैम्ब्रिज जाके करने क्या मतलब है, अगर आपको आंदोलन करना है तो यहाँ करिए, यहाँ करना नहीं चाहते वहाँ के लोगों ने, आपके कितने मंत्री आपके पास रहे। अच्छा प्रधानमंत्री जी को इस बात की क्या जरूरत थी, या भारतीय जनता पार्टी को देशभक्ति दिखाने की कि संसद भवन के हमलावरों को किस देश की देशभक्ति में कांधार ले जाके छोड़ के आते हैं। अजमल कसाब को फांसी तो हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था ना। अच्छा। ये किस आतंकवादी को फांसी दे पाए बताएं, इन्हीं की सरकार में पठानकोट हमला होता है, इन्हीं की सरकार में पुलवामा हमला होता है, उन आतंकवादियों को पुलवामा के हमलावरों को, और आईडीएक्स कहां से आया ये आज तक बता पाए थे इसको, अभी पंजाब में आईएसआई का एजेंट, अजमल कसाब का नाम अगर आईएसआई का एजेंट इतना बड़ा कांड कर दिया, चौबे जी सुन लीजिए, हो गया चौबे जी, अजय कुछ बोल रहा है, चौबे जी हो गया, आपकी पार्टी से जारी हो जाएगा नोटिस, अजमल कसाब का नाम मत लीजिए कि कांग्रेस ने उसको मारा। देखिए अजमल कसाब एक आतंकवादी था, मैं कह रहा हूं, और इस देश का मुसलमान भी आजादी की लड़ाई में अतीक के मामले में मुख्य अपराधी, कितना दिन हो गया अभी नहीं पकड़ा गया, और निश्चित तौर पे चले हो गया, कांग्रेस पार्टी देश के 140 करोड़ लोगों के राजनीति करती है, कभी
किसी एक जाति और संप्रदाय आंदोलन नहीं करती है, संप्रदाय की नहीं करती है। आप बताइए भट्टा परसोल में कांग्रेस ने नहीं आंदोलन किया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया था? मंदसौर में कांग्रेस ने नहीं आंदोलन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था? चले ठीक है ठीक है, अरुण जी ठीक है, चौबीस जी अरुण जी बोलेंगे। अच्छा हो गया, मुझे पता है, मैं पत्रकार में पता है कौन कितना आंदोलन करता है। अभी अभी तो सपा वाले आंदोलन नहीं कर रहे थे, अखिलेश यादव निकलते नहीं है, आपको पता ही नहीं है। साहब जुमला बोलते रहते हो, जो करता है दिखता ही नहीं आपको। ठीक है ठीक, मुझे पता है, मुझे पता है कितने आंदोलन कांग्रेस में होते। ठीक है अरुण भाई जवाब दीजिए, बड़े नाराज है चौबे जी आपसे। देखिए मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कहूंगा, ये कांग्रेस के लाइन से ही डिफर करके जो मैं सुनता रहता हूँ उससे कहीं बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं जी। देखिए इनके ऊपर हमलावर हैं जिनके सहारे ये सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि राहुल गांधी, आज इन्होंने खड़गे जी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उनको भी फ्री हैंड ये नेहरू परिवार नहीं करने देना चाहता है। अच्छा तो पूरे देश ने रिजेक्ट किया है 10 साल लगातार नेहरू परिवार को। अच्छा और यहाँ तक रिजेक्ट कर दिया कि विपक्षी दल के नेता बनने लायक की हैसियत में नहीं रखा जी। सबसे बड़ी बात मैं जो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आज एक बहुत ही गहरे ढंग से अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठ के सोचने का काम है कि हम कैसे अपने को पहले मजबूत करें कि हमें विपक्ष और जो क्षेत्रीय दल है वो स्वीकार करें। अच्छा तो अभी ये तो इनको सिर्फ यही दिखाई पड़ा कैसे मोदी जी गिरे और हम चलता है लपक करके वो चलता है आम खा लें। अच्छा तो लेकिन वो होने वाला नहीं है। अच्छा मैं जो कह रहा था जी कि देखिए आज कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल हो, उनका नेतृत्व हो, अभी अजय भाई भी उस पर इशारा कर रहे थे, आखिरकार क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनसंघ ने तो इलेक्शन कमीशन का गठन किया नहीं था, सीबीआई का गठन किया नहीं था, ईडी का गठन किया नहीं था, आईटी का गठन किया नहीं था, संविधान का गठन किया नहीं था। संविधान की रक्षा की बात अभी देखे आम आदमी पार्टी से लेके सारे राजनीतिक दल, संविधान खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, तो आखिरकार संविधान में आईपीसी में सीआरपीसी में और सीबीआई के तहत, ईसी के तहत, आईटी के तहत ऐसे तमाम कहता है नेताओं को, नेताओं को कहता है ये काम करना चाहिए था। देख लेता कि देख लिया। मैं देख रहा हूँ उनका फोटो। हाँ, तो फोटो मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा एक काम करना चाहिए था कि जिससे कोई भी आने वाले समय में, अजय भाई अगर आप इससे मेरी बात से सहमत हो कि दुरुपयोग ना हो, लेकिन पिछले 50 और 60 सालों में बाकायदे दुरुपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने। अखिलेश यादव जी अभी पानी पी पी के कहते हैं, रोज अभी कल परसों कह रहे थे कलकत्ता के अंदर कि कांग्रेस पार्टी हमें ईडी और आईटी के तहत कहता है हमें डरा रही थी। मुलायम सिंह जी ने कई बार कहा कि ईडी और आईटी हमें डराती थी कांग्रेस पार्टी। अच्छा। कोई क्षेत्र देखे ममता जी कह रही थी कि हमें डराते थे, ऐसा कोई रीजनल पार्टी नहीं है जो आप डरा रहे हैं। नहीं हम नहीं डरा, हम कह रहे हैं हम डरा नहीं रहे। अच्छा, हम पहली बार सीबीआई आईटी ईडी को ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे नकेल लगाया जाना चाहिए। ये गलत बात है, ये भ्रष्टाचारियों पे नकेल लगाया जाना चाहिए, ये तो गलत बात है। स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सारी संस्थाएं स्वायत्त शासी संस्थाएं। डराने का मतलब ये ना, जैसे मैं इनको मेरी पार्टी या मेरा नेतृत्व, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसको आप छोड़ देते हैं? नहीं, उनके तहत भी कानून का काम करता है, कानून उनके तहत भी कानून का काम करता है। मामले हैं जब ईडी और सीबीआई उनको रेट करती या पकड़ने की कोशिश करती है, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उनको माफ नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ हो। आप ऐसा बोलिए अभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के 8 करोड़ रुपया नगद पकड़े गए, ईडी सीबीआई अभी वहाँ नहीं जा रही है। अरे भाई आप जनहित को लेकर जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप जनहित को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप कह रहे थे न्यायालय निष्पक्ष, आप कह रहे थे न्यायालय निष्पक्ष, पैसा आया न्यायालय निष्पक्ष, कार्यालय 5 स्टार हो गए, इसकी भी तो ईडी सीबीआई को जांच करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा कैसे हो गया, इसकी भी तो ईडी सीबीआई को जांच करना चाहिए। चंद उद्योगपतियों को इस सारे ठेके और सारे कर्जे इस देश की जनता का कर्ज के रूप में दे दिया जा रहा है, माफ कर दिया जा रहा है, ये सत्ता में किसके इशारे पे किया जा रहा है? कौन देश की जनता के साथ गदी दगाबाजी कर रहा है? कौन इस देश को लूट रहा है, कमजोर कर रहा है? कौन भारत में नफरत फैला रहा है? इसकी भी तो ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए ना। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक वाइस चांसलर पे कार्रवाई करना चाहा,
सबको मालूम है, दोबारा कार्यभार ग्रहण कर लिया साहब, सीबीआई जांच का आदेश है, घोटाला भी आप ही की एसटीएफ ने प्रूफ किया, अब एसटीएफ गिरफ्तार करने के नजदीक पहुंचे थे साहब, तो सीबीआई जांच करा दी गई, सीबीआई अब ऐसा साबित हो रहा है कि जैसे सीबीआई एसटीएफ से कमजोर हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अगर बर्दाश्त न हो तो आदमी कैसे बच सकता है। यूनिवर्सिटियों में जितना भ्रष्टाचार है, डीवाई चंचूर साहब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, एक उन्होंने आदेश पारित किया था कि 10 साल जिसका प्रोफेसरशिप का अनुभव नहीं हो वो वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7-7 साल के अनुभव वाले एसोसिएट प्रोफेसरों को वाइस चांसलर बना दिया हाईकोर्ट। तो आप देखे जाइए क्यों न्यायपालिका में नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में इतना घोटाला हो रहा है, अभी अजय भाई ने इनसे कहा लेकिन सड़क पे आने भाई इतना भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आप देखिए क्या जाएंगे सड़क, ये क्या जाएंगे कोर्ट, हाथ दिखाना, आपकी पार्टी तो डूबी हुई पार्टी है, आपकी पार्टी डूबी हुई पार्टी है, आप संसद में सिर्फ आपकी पार्टी राउंड मचाने के अलावा और कोई काम आपके पास नहीं। आपका प्रधानमंत्री जी उद्योगपति के सामने घुटना टेक प्रधानमंत्री जी हैं, उनके दम नहीं है कि अडानी जी पे ईडी और सीबीआई की रेड करा दे, उनकी किसी संपत्ति को फ्रीज कर दे, उनकी किसी संपत्ति को रोक दे, और जिस किसी सरकारी संस्थान पर उनकी नजर हो जाए उसे बेचने से मना कर दे जनहित में। आपके प्रधानमंत्री जी में दम नहीं है, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह कर सकते हैं, सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई से बने सरकारी संस्थानों को जो कांग्रेस ने 70 साल में बना के दिया, सिर्फ वो अपने मित्र अडानी प्रधानमंत्री आपके लिए क्या पार्टी फंड में चंदा ले सकते हैं, प्रधानमंत्री आपके लिए क्या फंड में चंदा ले सकते हैं, चौबे जी चौबे जी प्रधानमंत्री बीजेपी के क्या देश के आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या, चुनाव लड़ सकते हैं ईडी सीबीआई से, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री जी, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके लिए क्या दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री इनके लिए क्या, आप ही के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चौबे जी चौबे हो गया, चौबे जी चौबे हो गया, जवाब चाहो दीजिए, चौबे जी चौबे जी चौबे जी प्लीज बोलिए, अरुण जी जवाब दीजिए बोलिए, भाजपा ने इन्हीं से सीखा है, कांग्रेस से ही सीखा है जो कर रहे हैं, जी कह रहे हैं ये सही है, देखिए कांग्रेस से ही सीखा, मैं जो कह रहा था कि अभी आपने कांग्रेस पार्टी का तो चाल चेहरा और चरित्र पिछले 60 साल में देख करके जनता पहचान गई है जी। अब कांग्रेस पार्टी को तो सबसे पहले इसका चिंतन और आत्मंथन करना चाहिए कि हमें, आप ठीक है आरोप लगा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि अडानी जी में आप करता भ्रष्टाचार के तहत प्रधानमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सीबीआई नहीं बैठा रहे हैं, ईडी को नहीं भेज रहे हैं, आखिरकार किसी कारपोरेट को आप किसी नियमों कानून के तहत आप कह रहे पार्लियामेंट में हम हल्ला मचा रहे हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट में हल्ला मचा रहे हैं तो पार्लियामेंट में एक सुझाव दीजिए और कहिए कि साहब कहते हैं इन सुझावों के तहत आपने 60 साल इस देश में राज्य किया है, आपको राज्य करने का तरीका अगर आता है तो आप ये किस नियमों के तहत किसकी गिरफ्तारी हो सकती है, कैसे उसको जेल भेजा जा सकता है, और अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं कि हमें सुनने नहीं दे रहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी मुख्य न्यायाधीश का आप नाम यहां कोट कर रहे थे बार बार, नहीं सुन लीजिए सुनिए पहले बात सुनिए पहले बात सुनिए पहले बात सुनने की आदत डालिए पहले बात सुनिए ने क्या आदत डालिए यही कांग्रेस पार्टी में खराबी है, छोटे से लेकर के और राहुल गांधी तक सुनने की आदत खत्म हो चुकी है, तो पहले सुनने की आदत डालिए और कल तक तब आप अपने समय पे जवाब दीजिए। मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी का नाम लिया गया, तो जब आप उनके दरवाजे को खटखटाइए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रोक जनहित याचिका डालते थे जी। हमारे ही जनहित याचिका पे कलता है आप कलता गए थे, कलता है आपके मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था, हमारे ही जनहित याचिका पे सुप्रीम कोर्ट के तहत आपने नहीं किया था, मनमोहन सिंह जैसे ही कल आदमी ने नहीं किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2G के तहत फलाने जी के तहत, और जो आपके जीजाजी भ्रष्टाचार में जिनको ईडी रोज खदेड़ रही है, वो जीजाजी को जो साले जी लोग घूम रहे हैं, ये जीजाजी को बचाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी डूब रही है और किसी के चक्कर में नहीं डूब रही है, पहले जीजाजी बचाओ अभियान में और अब भैया जी बचाओ अभियान में, इसीलिए भैया जी भारतीय जनता पार्टी भैया जी बचाओ अभियान अपने बहनों को बचाने में लगी है अडानी जी को, इसका मतलब साबित हो गया अडानी जी जनता पार्टी की बहनों ही है, बहुत बढ़िया, और उनको बचा पार्टी लग गई ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है
कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। ठीक है, नितिन भाई बोले, नितिन भाई बोलेंगे, आपको जेपीसी कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, कराते रहेंगे, कराते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी तो डरी हुई पिछले 15 सालों से। जीजाजी सुनाओ, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता डरा हुआ। अरुण जी हो गया, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा छोटा नेता डरा हुआ। ठीक है, पंजाब में जनता गांधी डरी हुई है, सोनिया गांधी डरी हुई है। चौबे जी हो गया, बात आगे हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। चौबे जी, अरुण जी, चौबे जी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अपने देश। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। नितिन भाई, जीजाजी भी होगा, बेरोही होगा, आपके अभी कुछ ऐसा है क्या? आपके अभी कुछ ऐसा क्या, बता दीजिए। गौरव जी, हमारे वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे आदरणीय शरद यादव जी, अब नहीं है दुनिया में जी, वो हमेशा एक बात कहा करते थे जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अच्छा, और ये लोग देखिए आज भी इसी तरीके से जनहित के मुद्दों से हट करके ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं जी। आज प्रदेश में किस तरीके से बदहाली है, जनहित का मुद्दा नहीं, देश किस तरीके से भुखमरी की तरफ सबसे आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरीके से समापन की तरफ ले जा रहे हैं, और आज ये जीजाजी और बैनोई जी में उलझ करके देश को कहां तरफ ले जाना है। अरुण जी बोल रहे हैं, मुद्दों पर बात करिए। और मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ की मैं तो आप अपना दम दिखाओ और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसको जट करके मुकाबला करेगी और हम 50 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके इनको उत्तर प्रदेश में दफन करने का काम करते हैं, नितिन भाई, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी देश का रास्ता बन जाएगी। आप लोग अपना काम करिए, कहां जीजाजी और बैनोई जी में आगे। नितिन भाई, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, नितिन भाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, और जेपीसी की मांग जिस तरीके से हो रही है जी, नितिन भाई, भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं अडानी के गोलमाल में माननीय प्रधानमंत्री से लेकर इनकी पूरी पार्टी पर्दे के पीछे एक संलिप्तता है। ठीक है, सॉरी, इसलिए अगर पाक साफ है, आपका कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अनैतिक लाभ पहुंचाने का इरादा नहीं है, तो क्या दिक्कत है जेपीसी में? कितने आरोप लगाए गए हैं? ठीक है, आप उस पर एक एक अदानी को लाभ ना हो, इसको लेकर के तमाम तरीके के मुद्दे पैदा कर दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अनैतिक तरीके से अदानी को लाभ पहुंचा रही है। जी, हो गया, हो गया, और उसके पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं उनसे अपना लाभ ले रही है। ये मूल मुद्दे की बात जो मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, नितिन भाई, अरुण प्रकाश परिपक्वता बात आपको पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं खाली नितिन जी से समाज से ही नहीं पूछ रहा हूँ, जितने आवाज मेरी कट गई लग रहा है, इंक्लूड आम आदमी पार्टी के तकी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने देखा कि जब भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तलब किया 4 तारीख को भगवंत मान को, पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को, जो अजनाला के अंदर अमृतपाल जो पूरे पंजाब को फिर से आतंकवादी रास्ते पे ले जा रहा था, उसको रोकने के लिए जब मुख्यमंत्री तलब किया तब कार्रवाई हुई। अच्छा। अब आम आदमी पार्टी की संलिप्तता इससे मालूम होती है। अच्छा। कि पूरी पंजाब की फोर्स के सामने से अमृतपाल भाग गया और अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुमार विश्वास ने ऐसा व्यक्त किया था। अच्छा। कुमार विश्वास जो इनके साथ रहे, केजरीवाल के साथ रहे, तब तकी साहब पता नहीं आम आदमी पार्टी में रहे हो कि ना रहे हो, फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास साहब, उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आंदोलनकारियों से केजरीवाल के संबंध हैं। अच्छा। जब केजरीवाल राजनीतिक जीवन में नहीं थे तब लोग कहते थे कि इस देश के नक्सलवादियों से केजरीवाल के आंतरिक संबंध हैं। ये बातें उठ के आई, कभी केजरीवाल ने नहीं कहा प्रधानमंत्री से कि हमारे इस चीजों का जांच करा लीजिए। आखिरकार पंजाब की उस घटना ने सिद्ध किया, अमृतपाल की उस घटना ने सिद्ध किया कि इस देश में ऐसी ऐसी राजनीतिक दल हैं जो आतंकवादियों के सहारे देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा पैदा हो रहे हैं उनके सहारे हम किसी तरीके से प्रदेशों की कुर्सी पा जाए। अच्छा। और देश की कुर्सी पा जाए। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप है ना। हाँ। कि भिंडरा वाले को पैदा किया इंदिरा गांधी ने, भिंडरा वाले के माध्यम से इस देश की नारा बन करके फिर प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने एक कोशिश देखी। कांग्रेस पार्टी तो तीन नेताओं को खो चुकी है, कांग्रेस पार्टी दो नेताओं को खो चुकी अपने, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। हो गया, हो गया। नितिन भाई, यहाँ पर अरुण प्रकाश बोल रहे थे कि अखिलेश यादव सीबीआई से डर रहे हैं, डर है उनके अंदर,
इसलिए जो है अलग तरह नितिन भाई से एक सवाल जरा खड़ा कर बोल बोली बोली लेकिन मैं सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ नितिन भाई, आप तो नौजवान हैं, आप जानते होंगे, हो सकता है आप ना भी जानते हो। अच्छा, श्री राम गोपाल जी को याद होगा जी, और आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को याद होगा जी, शिवपाल जी को याद होगा कि आज जो समाजवादी पार्टी है इसका शीर्ष नेता कितने पार्टी बदल चुके, कितने निशान बदल चुके, कितने नेता बदल चुके। सुबह उनका नेता कौन रहता था, दोपहर में कौन नेता रहता था, और शाम को नेता कौन होता था। तो जो लोग शाम दोपहर शाम पार्टी का झंडा बदल लेते रहे हों, पार्टी का निशान बदल लेते रहे हों, जब आप विचारधारा की बात कहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है। जब आपका शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी कहते हो हम समान विचारधारा, अरे कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा यह है कि अतीत को छुड़ाने की विचारधारा, मुख्तार को छुड़ाने की विचारधारा, ये आपकी विचारधारा है। हाँ। उत्तर प्रदेश में गुंडों के सहारे राजनीति में कल तक मुख्यमंत्री बनने की विचारधारा, आप किस विचारधारा की बात कह रहे हैं? जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। अरुण प्रकाश जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं इनको लगता नहीं है कि इन्हें कुछ याद याद नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है। समाजवादी सरकार में फरवरी 17 में कर दिया था, समाजवादी सरकार में बाहर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुगलबंदी कर रही है सबको पता है, किस तरीके से देवरिया की जेल में उनके लिए गाड़ियों के दरवाजे खुलते थे, किस तरीके से रातों रात चुनाव लड़ने के लिए सरकार ने खुद परमिशन कराई थी कि इलाहाबाद में उसको प्रत्याशी बना दिया जाए, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की बात न करे और विचारधारा की बात आप करोगे जो पीडीपी के साथ करते हो, पीडीपी को ठीक है हो गया तो बात करोगे। धन्यवाद। तो यह चर्चा थी कि भाजपा के खिलाफ जिस तरह से मोर्चे की बात यहाँ पर हो रही थी, मोर्चे के बाद स्थिति क्या होगी और स्थिति के बाद क्या सामने आने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ जिस तरह मोर्चा दोफाड़ हो रहे हैं उसके बाद स्थिति बीजेपी के विरुद्ध कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी रणनीति बनेगी और कितना परिणाम सामने आएगा। फिलहाल ये एक अच्छा प्रश्न है और फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात तो स्पष्ट है, अगर हम एकता के साथ किसी भी पार्टी का मुकाबला करेंगे, किसी भी ताकत का मुकाबला करेंगे तो शायद परिणाम कुछ बेहतर भी आएंगे, पर दोफाड़ होना, कहीं ना कहीं विचारधारा का अलग होना और सबसे महत्वपूर्ण बात विचार ना मिलना, जो पुरानी एक व्यवस्था चली आ रही थी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, उसको यहाँ पर हम एकजुटता नहीं देख सकते, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अब विपक्ष की भूमिका यहाँ कौन निभाएगा, अखिलेश यादव ममता बनर्जी या उनके साथ और तमाम दलों का मोर्चा, या राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, या उनके साथ तमाम जुड़े हुए लोग उनका मोर्चा, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है। आगे स्थिति क्या होगी, 24 चुनाव के पहले क्या रणनीति होगी और क्या वास्तव में ये तीसरा मोर्चा अलग होगा या कोई एक ऐसा चमत्कार होगा जिससे दोनों धड़े एक साथ हो जाएंगे और बीजेपी के लिए चुनौती साबित होंगे, ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल राजनीति है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सब संभव है। यहाँ अलगाव भी होता है, जुड़ाव भी होता है और तमाम बुराई व्यवस्थाओं को छोड़कर दल बदलने की प्रथा भी लगातार चलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर कुछ भी संभव है। विश्वगुरु बनने का सपना देखना है तो कुछ जनता के मुद्दे उठा लिए जाए, जो फिलहाल हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव ने कहा था कि पार्टियां यहाँ काम तो करती हैं पर विपक्ष की भूमिका निभाना कोई नहीं जानता। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो भूमिका का निर्वाह करती थी, उसी भूमिका के निर्वाह का कारण है कि बीजेपी यहाँ पर दो बार लगातार सरकार बनाती आई है और तीसरी यानी हैट्रिक की बात यहाँ पर कर रही है, उसी बुनियाद पर, उसी आधार पर, उसी मेहनत पर। अब ये भूमिका फिलहाल विपक्ष निभाएगा नहीं निभाएगा स्पष्ट नहीं है, पर एक बात तो स्पष्ट है, चुनाव इस बार महत्वपूर्ण है और बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष से एक विपक्ष नहीं बल्कि दो विपक्ष हाथों हाथ लड़ाई करने, संघर्ष करने तैयार है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।